हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, छोटा सा बेबी गॉट आपके सामने जो दिख रहा है दोस्तों, छोटा सा मेमना जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर इस वाले कंडीशन में जो है बच्चा पहुंच जाता है, बकरी के बच्चे की आंख जो है बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, वाइट हो जाती है, ब्लर हो जाती है। कहने का मतलब जो है पूरी की पूरी आँख जो है एकदम ख़राब हो जाती है। बच्चे में ब्लाइंडनेस के सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। ये इस तरीके से जब भी कोई आँख जो है वाइट हो जाती है, तो इसमें से जो है बच्चे को एक आँख से जो है दिखना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेमना आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो है एक आँख इसका जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बिल्कुल जो है सफ़ेद हो चुका है। तो ये ब्लाइंडनेस इसमें जो है आ जाती है, इस तरीके से हो जाता है। तो ऊपर की जो परत है इसकी, वो भी रेडनेस इसमें आ चुकी है। ये दूसरी वाली आँख है जो कि बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ये ऐसी होती है आँख, ये दूसरी जो आँख है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो पहले वाली है वो बिल्कुल भी जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो इसको जो है आप बिल्कुल साफ़ सुथरा और पहले के जैसा जो है बना सकते हैं दोस्तों। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या करना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हमने जो है इस तरीके के काफ़ी सारे वीडियो चैनल पर अपलोड करके रखे। आज जो मैं अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, ये है पार्ट 3, और इस बच्चे को जो है हम 100% ठीक करके आपको बताएंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी अपडेट आती है, जो भी इसका रिजल्ट आता है, वो मैं अपने चैनल पर जो है 100% प्रूफ के साथ जो है शेयर करता रहता हूँ। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। इसके ट्रीटमेंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट दोस्तों इसको बहुत सिंपल, बहुत यूनिक हम बताने वाले हैं। बस आपको एक छोटा सा एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना है, कौन कौन से इंजेक्शन लगेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ 1 रुपये के अंदर जो है इसका इलाज भी हो जाएगा। तो ऐसा है दोस्तों कि आँख इसकी इस तरीके से ख़राब हो चुकी है, तो हमें उसी कंडीशन का इलाज भी उसको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आँख जो है इन्फेक्शन कितना हुआ है, किस तरीके से हुआ है, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है उस तरह का अगर इन्फेक्शन है, तो उसे आपको इस तरह की चीज़ें देनी ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ हम इंजेक्शन के ऊपर जा रहे हैं दोस्तों, तो इंजेक्शन के ऊपर हमने इसको यूज करना है जेंटामाइसिन 1.5 ml, 1.5 ml जो है आपको मात्र जेंटामाइसिन इंजेक्शन दोस्तों इसके अंदर यूज करना है आपको। दूसरा इंजेक्शन जो इसके अंदर यूज करना है वो है CPM, ये भी दोस्तों आपको 2 ml तक यूज करना है। तीसरा जो दोस्तों इंजेक्शन इसके अंदर हम यूज करेंगे वो है दोस्तों आइसोफ्लूड। आइसोफ्लूड इंजेक्शन दोस्तों इसके अंदर हम यूज करेंगे मात्र 1 ml। इस तरीके से दोस्तों 3 इंजेक्शन हमने इस ट्रीटमेंट के अंदर यूज करने। दोस्तों ये 3 प्रकार के इंजेक्शन जो आपको अभी अभी बताए गए हैं दोस्तों, तो ये इंजेक्शन आपको क्या करना है कि 12 दिन में जो है आपको 3 बार रिपीट करने हैं, ठीक है। यानी 4 4 8 4 12, तो इस तरीके से आपको 3 बार जो है इसको रिपीट करना है 12 दिन के अंदर। तो ये एक काम हो गया। दूसरा बात है, दूसरा जो पार्ट आता है दोस्तों वो आता है आइस ऑइंटमेंट का। तो इसके अंदर हम क्लोरोसोल सोपाप करके जो छोटा सा ऑइंटमेंट आता है दोस्तों, मात्र 1 रुपये में 1 टैबलेट के हिसाब से जो है आपको मार्केट में मेडिकल पे जो है आसानी से मेडिकल शॉप पे जो है आपको मिल जाएगा। तो ये आपको डालना है दोस्तों सुबह शाम, एक एक टैबलेट जो है आपको आँखों में डालना है दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल काम जो है आपको करना है। तो ये काम अगर आप कर देंगे तो आपकी बकरी या फिर आपका बकरी का बच्चा जो है बिल्कुल 100% जो है ठीक हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।